Good afternoon, my dear students. Today I am going to teach you tense. But before start, I want to say that you just open your pen and copy. आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, और पढ़ाने से पहले सभी से है कि अपने कॉपी और पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें. टेंस. जिसे हिंदी में काल कहते हैं. व्हाट इज टेंस? जनरली इसका आंसर होता है, टेंस मींस टाइम. तो हम लोग एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे. वह खा रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है. ही इज ईटिंग. वह खा रहा था, ये पास्ट के समय को बता रहा है. He was eating. वह खा रहा होगा. He will be eating. अब जरा ध्यान दिया जाए, इन तीनों सेंटेंस में मेरा जो सब्जेक्ट ही सेम है, वर्क ईटिंग वो भी सेम है. अंतर केवल इतना है कि तीनों सेंटेंस अलग अलग समय को डिनोट कर रहा है. इसी को हम लोग टेंस कहते हैं. तो टेंस का डिफिनेशन ये भी लिखा जा सकता है कि चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज नोन एज टेंस. जो समय के अनुसार वर्ब में जो बदलाव हो रहा है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं. क्योंकि टेंस टाइम है, तो इसी कारण टाइम के अकॉर्डिंग टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं. जल्दी इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं. टेंस को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. जो लोअर स्टूडेंट्स हैं, बिलो नाइन मतलब एट तक, उन लोगों के लिए ये टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन तरह का होता है. बट अपर क्लासेस में फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टेंस नहीं कहकर इसको हम लोग फ्यूचर टाइम रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर के समय को डिस्क्राइब करता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.